हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। लक्ष्मीकांत की बुक से हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक में दिया गया है। हम पहुंच गए हैं आपको इस वीडियो की सीरीज में पार्ट 10 पे, और इसमें जो टॉपिक होने वाला है, देखिए हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में। अगर आप बुक खुलिएगा तो ये टॉपिक मिलेगा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। अब इसमें देखिए दो, चूंकि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड, इसका कहने का मतलब ये है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पे कानून बनाने के जो राइट्स हैं पार्लियामेंट के पास है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटांसेज में है, और देर आर फाइव सर्कमटांसेज गिवन इन इंडियन पॉलिटी बुक ऑफ लक्ष्मीकांत। दो सर्कमटांसेज हमने कवर कर लिए हैं जिसमें आपको, इसमें एक है राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करता है उसके लिए कानून बनाने के लिए पासेज अ रेजोल्यूशन, और दूसरा है आपको ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपको तीसरी जो हेडिंग होने वाली है, यानी तीसरा जो सर्कमटांसेस है एक्सटर्नरी, व्हेन, टू और मोर देन टू स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द मैटर गिवन इन स्टेट लिस्ट, इन द सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट, है ना। ये थोड़ा कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है कहता है कि जब दो या दो से अधिक, है ना, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ व्हेन टू और मोर देन टू स्टेट पासेस और रेजोल्यूशन। इसमें होता क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है दे पास अ रेजोल्यूशन एंड रिक्वेस्ट पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके किसी स्टेट लिस्ट में जो मैटर दिया गया है उस पे पार्लियामेंट कानून बना दे, है ना, कानून बना दे। तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास ये पावर चला जाता है कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो रेजोल्यूशन में पास करके स्टेट के लेजिस्लेचर ने रिक्वेस्ट किया है उस पे कानून बनाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो राइट्स है, कानून बनाने का जो राइट्स है वो चला जाता है पार्लियामेंट के पास, और देन पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर सच ए स्टेट। और ऐसे लॉ जो बनते हैं ये सिर्फ अप्लाई होते हैं, है ना, सच लॉ अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है ना। जो स्टेट रेजोल्यूशन पास करते हैं उसी स्टेट पे ऐसे कानून अप्लाई होता है। अगर कोई स्टेट, है ना, अगर कोई तीसरा स्टेट जो चाहता है कि इस लॉ को अडॉप्ट करे तो ऐसी सिचुएशन में, ये हम अगला पॉइंट देख रहे हैं कि अगर कोई, है ना, एनी अदर स्टेट जो चाहता है कि ये कानून वो अपने स्टेट में लागू करे तो उस स्टेट को क्या है कि आफ्टरवर्ड एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी उस स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसको भी एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू अडॉप्ट दिस लॉ, और उसमें मेंशन करना पड़ेगा टू दैट इफेक्ट, है ना, उसको आफ्टरवर्ड, यानी ये कानून पास होने के बाद वो रेजोल्यूशन पास करके इस कानून को अडॉप्ट कर सकता है और अपने स्टेट में लागू कर सकता है ना।
और देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर इस कानून को अमेंड करना है ना, अगर ऐसे लॉ को अमेंड करना है या रिअपील करना है, ये अगली पॉइंट हम देख रहे हैं, रिअपील करना है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास ही राइट्स है ना। ऐसे जो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, सिर्फ पार्लियामेंट ही उसको, ओनली पार्लियामेंट कैन रीअपील, है ना, ओनली पार्लियामेंट कैन डू। अगर इसको रीअपील या अमेंड करने की बात आती है ऐसे लॉ को, तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही राइट्स होते हैं। चूंकि इसमें अगला पॉइंट कहता है कि ऐसे जो रेजोल्यूशन होते हैं जो पार्लियामेंट को ये राइट्स देते हैं, इसमें क्या होता है, एक तरीके से जो पावर है ना, लेजिस्लेचर का जो पावर है, वो ऐसे सिचुएशन में जो पावर है लेजिस्लेचर का, वो स्टेट से एबडिकेट हो जाता है, यानी वॉलेंट्रली जो है स्टेट इसको एबडिकेट कर देता है, यानी त्याग देता है, और ये पावर एक तरीके से चला जाता है पार्लियामेंट के पास, है ना। ऐसे जो पावर होते हैं ये पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं, और इस ऐसे केस में जो है स्टेट, दो जो कंसर्न स्टेट है जिसने रेजोल्यूशन पास किया है, उसके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो नहीं रह जाता है ना, राइट्स चला जाता है पार्लियामेंट के पास, है ना। तो ऐसे केस में द कंसर्न स्टेट बिंग पास द सच रेजोल्यूशन हैज नो राइट टू मेक लॉ और इवन रीअपील और अमेंड सच अ लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, है ना। अब देखिए इसमें जो है, इसमें जो एग्जाम्पल हैं, कुछ लॉ जो पास किए गए हैं इन सच आफ्टर पासिंग द सच अ रेजोल्यूशन बाई कंसर्न स्टेट, इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो लॉ बनाए गए हैं, उसमें पहला है आपको प्राइस कंपटीशन एक्ट, एंड प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955। फिर उसके बाद दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी 1972। फिर उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है सच लॉ का, वो है आपको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद चौथा जो एक्ट आया था अर्बन लैंड सेलिंग एंड अर्बन लैंड सेलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, यानी 1976। आखिरी एग्जाम्पल है वो है आपको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन, है ना, ह्यूमन ऑर्गेन एक्ट, ये आया था 1994, है ना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपको जब दो या दो से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट उनके गिवन स्टेट सब्जेक्ट पे या जो रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट है उस पे कानून बनाता है, और ऐसे सिचुएशन में जो उस लॉ को अमेंड करने का जो राइट्स है वो पार्लियामेंट के पास ही होता है। और इस टाइप के कुछ लॉ यहाँ एग्जाम्पल में हमने देखे, और एक यह एक तरीके का जो रेजोल्यूशन होता है, एक तरह का ये पावर का सरेंडर होता है टू द पार्लियामेंट बाय द कंसर्न स्टेट, और ऐसी सिचुएशन में जो राइट्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो छिन जाता है स्टेट से, और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बनाता है अलोन, उसमें स्टेट की कोई भागीदारी नहीं होती है। स्टेट की भागीदारी इतनी है कि वो रेजोल्यूशन पास कर दिया ताकि उसके किसी रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम पार्ट 10 देखेंगे, में हम देखेंगे कि जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है, तभी पार्लियामेंट कानून बनाता है। सो थैंक यू।